इस किन्नर ने कभी लालू को दी थी बद्दुआ, कहा था बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा परिवार। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुमत हासिल कर लिया है। विश्वास मत में नीतीश के पक्ष में 131 वोट पड़े, वहीं 108 वोट मिले। गौरतलब है कि नीतीश और लालू के विवाद की शुरुआत 11 साल पुराने विवाद से हुई। सीबीआई ने 5 जुलाई को लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 7 जुलाई को सुबह सीबीआई ने लालू से जुड़े 12 ठिकानों पर छापे मारे। जांच एजेंसी के मुताबिक 2006 में जब लालू रेल मंत्री थे तब रांची और पुरी में होटलों के टेंडर जारी करने में गड़बड़ी की गई। गौरतलब है कि लालू को एक किन्नर ने बद्दुआ दी थी। इस किन्नर का नाम है शबनम मौसी। दरअसल एक चुनाव में हार के बाद लालू यादव ने शबनम मौसी का मजाक उड़ाया था, जिसके बाद उन्होंने लालू को बर्बादी की बद्दुआ दी था। आपको बता दें कि शबनम मौसी देश की पहली किन्नर महिला है। उन्होंने फरवरी 1998 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर एमपी के सुहागपुर से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने 18,000 से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की थी। दरअसल शबनम ने बताया कि साल 2008 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी की टिकट पर कोटमा से चुनाव लड़ा था। एक इंटरव्यू में शबनम ने बताया कि इस दौरान लालू ने उन्हें आर्थिक मदद देने की बात कही थी, साथ ही लालू ने उनके लिए चुनाव प्रचार की भी बात कही थी, लेकिन लालू ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया और शबनम इस चुनाव में बुरी तरह हार गई। उन्हें केवल 650 वोट मिले थे। शबनम के मुताबिक लालू अगर अपने किए हुए वादे को पूरा करते तो वो कोटमा सीट से चुनाव जीत जाती। उन्होंने कहा कि कोटमा विधानसभा एरिया में कोयला खदानों में काम करने वालों में यूपी और बिहार के लोगों की संख्या ज्यादा है, ऐसे में अगर लालू यादव उनके लिए चुनाव प्रचार करते तो निश्चित तौर पर वे दोबारा MLA बन जाती। यही नहीं, शबनम के मुताबिक हार के बाद वो लालू से मिलने दिल्ली पहुंची थी, जहां लालू ने उनकी चुनावी हार का मजाक उड़ाया था। उन्होंने बताया कि दिल्ली में जब वे लालू से मिली तो लालू ने अपने समर्थकों से उन्हें किराया और भाड़ा के लिए 10,000 रुपए देने को कहा था। ये बात शबनम को बुरी लगी थी, जिसके बाद उन्होंने लालू और उनके परिवार को बर्बादी की बद्दुआ दी थी। शबनम फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ चुकी हैं। उन्होंने अमर अकबर, एंथोनी, जनता का हवलदार, कुंवारा बाप जैसी फिल्मों में काम किया। शबनम को आदिवासियों ने पाला था। बचपन में उनका नाम चंद्र प्रकाश था। 8वीं तक पढ़ाई के बाद शबनम काम की तलाश में मुंबई पहुंची। साल 2005 में शबनम की लाइफ पर उनके नाम से फिल्म शबनम मौसी बन चुकी है। फिल्म में आशुतोष राणा ने उनका कैरेक्टर प्ले किया था।